आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कर रहे थे हम लोग इससे पहले, जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी 4 शेड्यूल्स प्रिपेयर करना है। जनरल इंश्योरेंस का पहला शेड्यूल, जनरल इंश्योरेंस का अकाउंट बनाना सेम एज इट इज लाइफ के बराबर ही रहता है, एक छोटा माइनर चेंज रहता है इसके अंदर। पहला शेड्यूल है सेम इन प्रीमियम, प्रीमियम रिसीव का शेड्यूल 1। सेकेंड शेड्यूल इसके अंदर रहता क्लेम, ठीक है, क्लेम पेड। तीसरा शेड्यूल कमीशन। फोर्थ शेड्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल 4 शेड्यूल है। जिस तरह हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में कर रहे थे सेम वैसे करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस में 4 शेड्यूल हमारा बेनिफिट पेड था, बेनिफिट को रिप्लेस करके इस बार क्लेम आ गया। सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्या क्या थे हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में अगर ओपनिंग रहा तो हम लोग माइनस करते हैं, क्लोजिंग रहा तो प्लस करते हैं सिमिलर एंट्री में जाके। उसके बाद री इंश्योरेंस, अगर सी डेट रहा तो माइनस करते, एक्सेप्टेड रहा तो प्लस करते। ये कॉन्सेप्ट था ना हमारा, वही कॉन्सेप्ट के साथ इसको भी करना है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के अंदर एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करते जिसको है तो हम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। वो प्रीमियम के साथ करने का रहता, वो बाद में करेंगे। दो रूल्स रहते हैं जनरल इंश्योरेंस, दो टाइप के रहते हैं इसके अंदर, दो टाइप की कंपनीज रहते हैं। एक है फायर, अगर फायर इंश्योरेंस है तो 50% ऑफ रिजर्व रहेगा, ठीक है। अगर मैराइन इंश्योरेंस है तो 100% ऑफ रिजर्व रहेगा। ये जो रिजर्व निकालते हैं ना, ये प्रीमियम के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। जो भी प्रीमियम का अमाउंट रहेगा ना उसके ऊपर है तो परसेंट निकाल के एडजस्टमेंट्स करना रहता, ठीक है। तो चलो एडजस्टमेंट्स, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर फायर, फायर का ये क्वेश्चन। रिवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। हमारे पास है क्लेम पेड, उसके नीचे क्लेम आउटस्टैंडिंग 31 बोल तो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता, क्लेम में जाना प्लस करना। फिर क्लेम आउटस्टैंडिंग 14 है, ओपनिंग है, ओपनिंग माइनस होता। क्लेम रिकवर्ड अंडर री इंश्योरेंस सीडेड है, सीडेड माइनस होने वाली एंट्री है। क्लेम पेड अंडर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड बोल तो प्लस। तो क्लेम्स में कुछ एंट्रिया प्लस वाली है, कुछ एंट्रिया माइनस वाली है। फिर कमीशन पेड, फिर उसके बाद कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड प्लस होगा, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड माइनस। प्रॉफिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है तो रिवेन्यू अकाउंट में आने वाली चीज है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये भी रिवेन्यू अकाउंट में लिखेंगे। इनकम टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन, उसके ऊपर होने वाला इनकम टैक्स है 1500, इसको नहीं लेंगे हम लोग। क्यों बोले तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ग्रॉस में रहा तो लेते, नहीं तो नहीं लेते। उसके बाद एम्प्लॉयज रिम्यूनरेशन 3,20,000 एम्प्लॉय का रिम्यूनरेशन, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता, खर्चे ही है। ऑडिटर फीस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक्सपेंडिचर है। प्रीमियम रिसीव प्रीमियम में आएगा, और प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, ओपनिंग माइनस। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है 31 बोल तो प्लस। प्रीमियम री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड प्लस, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड माइनस। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये जितने भी रिजर्व की एंट्री आ रही थी ना, अनएक्सपायर्ड एडिशनल रिजर्व, ये सब वर्किंग नोट में करना ही है। जैसे कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड 500,000 है, एडिशनल रिजर्व 25,000 है, इसको वर्किंग नोट में लेके जाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम, क्लेम से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। जब क्लेम स्पेसिफाई करता तो क्लेम के उसमें लिखना है, इसको ऑपरेटिंग में नहीं लिखना। नॉर्मली अगर लीगल है तो ऑपरेटिंग में लिखेंगे, जब उन्हें क्लेम से रिलेटेड बोलेगा ना तो क्लेम के ही शेड्यूल में लिखेंगे। डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर ऑपरेटिंग में, लॉस ऑन सेल ये भी ऑपरेटिंग में, मेडिकल फीस ऑपरेटिंग, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग,
रिफंड ऑफ डबल टैक्स, जब कभी भी रिफंड बोलता है, रिफंड बोले तो रिसीव होता, इनकम में है, अदर इनकम में लिखना है इसको, रिफंड ऑफ डबल टैक्स 8000 रिवेन्यू अकाउंट में आएगा। ये भी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एडिशनल रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट 1% ऑफ नेट प्रीमियम इन एडिशनल टू द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के लिए नेट प्रीमियम के ऊपर 1% एक्स्ट्रा प्रीमियम रिसीव करना है हम लोगों को, ठीक है। ये भी एक एडिशनल रिजर्व है, ऑलरेडी टेबल में एडिशनल रिजर्व दे दिया, एडजस्टमेंट में भी परसेंटेज में दिया, जो भी परसेंटेज में देता है उसको प्रीमियम के ऊपर कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल्स बनाएंगे। पहला शेड्यूल है प्रीमियम, प्रीमियम रिसीव, शेड्यूल वन। सेकेंड शेड्यूल क्लेम पेड, शेड्यूल टू। इसके लिए थोड़ी प्लेस छोड़ेंगे क्योंकि वर्किंग नोट भी करना है हमारे को, इधर पेच करेंगे बाकी के शेड्यूल्स भी। क्लेम के बाद है तो कमीशन, शेड्यूल थ्री। फिर उसके बाद आखिरी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल फोर, ठीक है। चलो वन बाय वन शेड्यूल्स को देखते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले क्लेम है, क्लेम्स में जाऊं, क्लेम पेड है 5,10,000, 5,10,000। अब इससे रिलेटेड एंट्रियां क्या क्या है देखो, सबसे पहले क्लेम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला है ना, प्लस होता, प्लस आउटस्टैंडिंग 31/3/2004 50,000 5,60,000। फिर उसके बाद क्लेम ओपनिंग है माइनस आउटस्टैंडिंग 1/4/2003 40,000 5,20,000। फिर उसके बाद अरे इसको वर्किंग नोट को अंदर भी लिख सकते थे ना, पर इधर भी प्लस माइनस करके भी डाल सकते थे, चलो कोई बात नहीं, चलता फिर। फिर क्लेम रिकवर्ड अंडर रीइंश्योरेंस सीडेड है, सीडेड माइनस होता, सीडेड 15,000 5,05,000। फिर उसके बाद एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड प्लस होता 5,17,000। उसके बाद क्लेम से रिलेटेड एक एक्सपेंडिचर भी था, सन्ड्री एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम प्लस कर लो, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,05,21,000, ठीक है। उसके बाद क्लेम के बाद है कमीशन, कमीशन में आ जाओ, कमीशन है कितना, कमीशन पे 2,10,000। लीगल एक्सपेंसेस कितना है, 5,000 है। सैंडरी अच्छा अच्छा लीगल एक्सपेंसेस भी है, सैंडरी एक्सपेंसेस प्लस एक और एंट्री है, लीगल एक्सपेंसेस प्लस 5,000, तो 5,26,000, ठीक है। कमीशन पेड 2,10,000। उसके बाद क्या क्या एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड प्लस होगा ना, एक्सेप्टेड 8,000, 2,18,000। फिर उसके बाद सी डेट माइनस सी डेट 5,000। फिर उसके बाद एक्सेप्टेड सी डेट आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ रिलेटेड है क्या कमीशन पे, कमीशन पे नहीं है ना, चलो राइट 5,30,000 नीचे ऐसा। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल या रिवेन्यू अकाउंट में आने वाली चीज़ है, इंटरेस्ट डिविडेंड भी रिवेन्यू में, इनकम टैक्स डिडक्टेड, ये तो नया आने वाली एंट्री है। एम्प्लॉयज रिम्यूनरेशन ऑपरेटिंग में आता है, एम्प्लॉयर रिम्यूनरेशन 3,20,000। ऑडिटर फीस
8000, और उसके बाद प्रीमियम। अब प्रीमियम में आ जाओ। प्रीमियम रिसीव्ड है 13 लैक्स। अब इसके ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट आ रहा, सबसे पहले आ रहा आउटस्टैंडिंग 1.4 है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग 1.43 40,000, 12,60,000। उसके बाद फिर से आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग वाला है, आउटस्टैंडिंग 31/3/2004 70,000, 13,30,000। ठीक है, फिर उसके बाद री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड प्लस होता 50,000, 13,80,000। फिर उसके बाद सीडेड है, सीडेड माइनस होता 13,70,000। पूरे एडजस्टमेंट्स हो गए ना, एडजस्टमेंट होने के बाद इसको बोलते हैं नेट प्रीमियम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग नेट प्रीमियम। उसके बाद ये अनएक्सपायर्ड रिस्क, एडिशनल रिजर्व, इसके लिए वर्किंग नोट है, थोड़ी देर से करेंगे हम लोग। सेंडरी एक्सपेंसेस क्लेम हो गया, लीगल एक्सपेंसेस क्लेम हो गया, क्लेम में कर दिए। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लॉस ऑन सेल, ये ऑपरेटिंग है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8,000। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल 6,000। नेक्स्ट मेडिकल फीस 2,000 है। फिर उसके बाद रेंट, रेट्स, टैक्स 5,000। डबल टैक्स तो इनकम में रेवेन्यू अकाउंट में आता। उसके बाद एडजस्टमेंट एडिशनल रिजर्व के ऊपर है, रिजर्व की इंट्रा करेंगे। अब ये जो भी आया ना नेट प्रीमियम, इसमें से माइनस करना रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, एडिशनल रिजर्व, या फिर एडजस्टेड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब इसको फाइंड करने के लिए एक छोटा सा का फॉर्मेट बना लो। एडजस्टेड अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब सवाल यह है कि क्वेश्चन फायर का है या फिर मैराइन का है। अगर फायर का क्वेश्चन रहा तो 50%, अगर मैराइन इंश्योरेंस रहा तो 100% ऑफ नेट प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारे को इधर पे फायर दिखा था, तो फायर के हिसाब से 50% ऑफ रिवेन्यू लेना, 50% ऑफ नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम हमारा 13,70,000 है, इसका 50% कितना होता देखो, 13,70,000 इंटू 50% 6,85,000 आया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या ऐड करते, इसके अंदर दो चीजें ऐड करते, एडिशनल रिजर्व, जितने भी एडिशनल रिजर्व टेबल के अंदर है, एडजस्टमेंट के अंदर है, सबको प्लस कर लेना। ऐड एडिशनल रिजर्व, टेबल के अंदर एडिशनल रिजर्व है क्या देखो, है एडिशनल रिजर्व ऑन फंड फॉर 2003 50,000 25,000। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट में भी है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एडिशनल रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट 1% ऑफ नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम का 1%, नेट प्रीमियम 13,70,000 है। एक और एडजस्टेड एडिशनल रिजर्व 1% है, तो इसका 13,700 हो रहा, दोनों को प्लस कर लेना, 6,85,000 प्लस 25,000 प्लस 13,700 7,23,700। अब इसमें से लेस करना अनएक्सपायर्ड रिस्क, अनएक्सपायर्ड रिस्क है क्या देखो टेबल में, टेबल में देखो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 5,00,000 है। ठीक है, उसके बाद टेबल के अंदर
जो एडिशनल रिजर्व दिया था ना उसको प्लस कर रहे थे, एक बार फिर से उसको माइनस करना, क्योंकि ओपनिंग में तो एडिशनल रिजर्व प्लस हो गया था, अब वो ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो गए क्लोजिंग में आता, क्लोजिंग के हिसाब से माइनस होता। एडजस्टमेंट वाला माइनस नहीं करना हमें, सिर्फ टेबल वाले में जो एडिशनल रिजर्व हम लोग प्लस कर रहे थे वही एडिशनल रिजर्व को क्लोजिंग में माइनस भी करना, लेस एडिशनल रिजर्व। टेबल का कितना था एडिशनल रिजर्व? 25,000, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 7,23,700 माइनस 5,00,000 माइनस 25,000, 1,98,700। ये जो आया ना ये अमाउंट है तो इसमें से माइनस करना, प्रीमियम में से 1,98,700, ठीक है, 13,70,000। ये अमाउंट माइनस करने के लिए ये वर्किंग नोट करते हैं, इसके अंदर खाली दो चीजें आती, एडिशनल रिजर्व अनएक्सपायर्ड रिस्क। एडिशनल रिजर्व प्लस होते हैं, अनएक्सपायर्ड रिजर्व माइनस होता। अगर एडिशनल रिजर्व टेबल में रहा तो उसको माइनस भी करना, प्लस के साथ साथ माइनस भी करना, तो माइनस 1,98,700, 11,71,300, ठीक है। तो ये थे हमारे शेड्यूल्स। अब हम लोग करेंगे रिवेन्यू अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले प्रीमियम, शेड्यूल वन था ये, शेड्यूल वन का आंसर कितना आया? 11,71,300। उसके बाद हम लोग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के अंदर मैक्सिमम आने वाली एंट्री है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो क्या क्या है देखो, इसमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, डायरेक्ट अमाउंट लिख लो 9,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, थाउजेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर दूसरे इनकम्स आते हैं, जैसे कि डबल टैक्स है, सरप्लस है, ठीक है, कुछ रिसीव बोला तो रिसीव में। अब जैसे कि देखो इसके अंदर अदर इनकम क्या क्या है, इनकम टैक्स डिडक्टेड तो नहीं आता, इसके अंदर नहीं है, इधर पे है एंट्री, रिफंड ऑफ डबल टैक्स है, रिफंड ऑफ डबल टैक्स इसमें आता, रिफंड ऑफ डबल टैक्स 8,000, ठीक है। अब पूरों को प्लस कर लो, पूरे इनकम्स हो जाते हैं 11,71,300 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000, 11,91,300, इसको ए नाम दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद पूरे एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे, एक्सपेंडिचर की शुरुआत होती है क्लेम से, क्लेम पेड शेड्यूल नंबर टू, इसका आंसर कितना था, क्लेम ये रहा क्लेम 5,26,000, उसके बाद कमीशन, कमीशन शेड्यूल नंबर थ्री, इसका आंसर है 5,13,000, 5,13 है, 2,13,000, सॉरी लिखने में गलती हो, 2,13,000, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर फोर, इसका टोटल नहीं करें, 3,20,000 प्लस 8 प्लस 8 6 2 5 3,49,000,
ठीक है। पूरे शेड्यूल्स लिखे गए। अब आखिरी में इसके टोटल ले लो। कुछ ऐसी एंट्री है क्या जैसे कि इररिकवरेबल अगर कुछ है, बैड डेब्ट्स रहा, तो वैसी एंट्री इसके अंदर ले लेना। नहीं है तो इसका टोटल ले लो, बी लगा लो इसको। 5,26,000, 2,13,000, 3,49,000, 10,88,000, ठीक है। अब इसके बाद सरप्लस, सरप्लस बोले तो ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर देना। ए है 11,91,300 माइनस 10,88,000, 1,03,300, ये आया सरप्लस। उसके बाद ये देखना क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ रिजर्व्स है क्या, रिजर्व जैसे कि ट्रांसफर टू शेयर होल्डर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन में है तो ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो आंसर हमारा यहीं पर ही क्लोज है। एक बार देख लेंगे, टेबल में तो नहीं दिया, इधर पे भी सिर्फ एडिशनल रिजर्व है, उसका ऑलरेडी हम लोग कर लिए, तो इधर पे ये क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम टफ से टफ क्वेश्चन बोले तो यही था जनरल रिजर्व का, इसको अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लिए तो जनरल इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाता है।